हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और होपफुली कि आज ही हम लोग उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट कवर करेंगे। कंसेप्ट का मतलब थ्योरी होता है, न्यूमेरिकल नहीं। और उस चैप्टर का नाम है असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर, क्या करा रहे हैं आप? आई थिंक या वी थिंक दैट दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। बेटा, दिस इज नॉट द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड चैप्टर। ये वो चैप्टर है जिसको आप न तो अच्छी तरह स्टडी करते हैं और ना ही इसके कंसेप्ट समझते हैं, जिसके कारण अगर मैं चाहूं तो आपको आपके क्वेश्चंस में फंसा सकता हूं। यानी टीचर हैज अ लॉट ऑफ स्कोप टू आस्क द क्वेश्चन आउट फ्रॉम दिस टॉपिक। सर, है क्या इंडिविजुअल की तरह टैक्स असेसमेंट होता है और HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है? बेसिकली टैक्स में HUF एक सेपरेट टैक्स एंटिटी माना जाता है और इस सेपरेट टैक्स एंटिटी होने के कारण HUF को जितनी इनकम होती है उन सब पर HUF एक सेपरेट टैक्स एंटिटी की तरह टैक्स देता है, जैसे एक इंडिविजुअल, जैसे एक कंपनी, जैसे एक फर्म। HUF बनता कैसे है? HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बट ऑब्वियस है कि मुस्लिम फैमिलीज इसमें शामिल नहीं होंगी, क्रिश्चियंस फैमिली इसमें शामिल नहीं होंगी। तो इसमें शामिल होंगी सर जैन, हाँ जैन फैमिलीज इसमें शामिल हैं। सिख, हिंदू लॉ से गवर्न ना होते हुए भी सिख फैमिलीज भी HUF की कैटेगरीज में आती हैं। हम केवल इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां बात कर रहे हैं। अब जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, This word is nowhere under the Income Tax Act has been defined at all. Nowhere under the Income Tax Act, HUF word is not defined. Then sir, अगर definition नहीं दिया है तो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे law का support लेना पड़ेगा। जी हाँ, हमें Hindu law का support लेना पड़ेगा इसकी normal meaning जानने के लिए। और Hindu law क्या कहता है, आपको assignments होंगे, वो दो लाइनें मैं पढ़ देता हूं, बाद में इसके बाद तो हम स्टोरी को आगे ले जाएंगे। वो हिंदू लॉ के हिसाब से पर्सन, HUF इज अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स। HUF इज अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑल द पर्सन्स लीनियली डिसेंडेड नीचे के रूप में आने वाले फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। यानी HUF में कॉमन एंसेस्टर होता है और इसके नीचे की सीढ़ियां, यानी इसका सन, इसका ग्रैंड सन, इसका ग्रेट ग्रैंड सन, उनकी बात की जा रही है। फिलहाल कहां तक सीढ़ी पहुंचेगी, किस डिग्री तक पहुंचेगी, वी डोंट नो टिल नाउ। ओके, डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइव्स एंड डॉटर्स। ओके, एंड ऑल्सो स्ट्रेंजर, इसमें एक स्ट्रेंजर भी शामिल है, एक बाहरी आदमी जो फैमिली का मेंबर नहीं है। हिंदू लॉ ने तो ऐसे ही डिफाइन किया है, एंड इंक्लूड्स अ स्ट्रेंजर हु हैज बीन अडॉप्टेड बाय द फैमिली। गोद लिया हुआ बच्चा, सौतेला बच्चा, ये सारे लोग भी HUF का पार्ट माने जाते हैं। इसमें स्टेप चाइल्ड के बारे में भले ना लिखा हो, जब हम अडॉप्टेड चाइल्ड को अपनी फैमिली में मेंबर मानते हैं तो बट ऑब्वियस है कि हम स्टेप चाइल्ड को भी अपना मेंबर मानेंगे। तो सर, कुल मिलाकर ये समझ में आया
कि हिंदू फैमिली वो होती है जिसमें घर के सारे मेंबर कवर होते हैं और उन मेंबर्स में वाइफ्स भी शामिल हैं और बेटियां भी शामिल हैं। साथ ही साथ एक अनजान बंदा जो गोद लिया हुआ हो वो भी शामिल है। ये डिफाइन किया है हिंदू लॉ ने। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज नीदर द क्रिएशन ऑफ लॉ, HUF कभी भी लॉ द्वारा क्रिएट नहीं होती, ये अपने आप स्टेटस से जनरेट होती है। स्टेटस से आती है लॉ? अरे बेटा, शादी हुई, हस्बैंड वाइफ बने, इसमें कौन सा लीगल एग्रीमेंट हुआ था? नहीं ना। घर पे बच्चे हुए, कोई लीगल एग्रीमेंट हुआ था क्या? नहीं ना। ये अपने आप स्टेटसशिप के थ्रू क्रिएट होती है, इसके लिए हमें किसी भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर एक बात बताइए, अगर किसी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है तो जितने मेंबर्स पैदा होते जाएंगे, वर्ड ढंग से सुनना, जितने मेंबर्स उस फैमिली में ऐड होते जाएंगे, क्या वो HUF का पार्ट बनेंगे? हाँ जी, जितने मेंबर्स उस फैमिली में अटैच होते जाएंगे वो सारे के सारे HUF का हिस्सा बनेंगे, उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा बनेंगे। सर एक बात बताइए, अभी आपने थोड़ी देर पहले जब डिफाइन किया था तो आपने कॉमन एंसेस्टर की बात की थी। कॉमन एंसेस्टर, एक बंदा है मिस्टर ए, इसके तीन बच्चे, मिस्टर बी सी एंड डी, इनकी वाइफ्स शामिल हो जाएंगी, इनके बच्चे EF, GH। तो सर ये जैसे बच्चे ऐड होते जा रहे हैं, ये एक बिगर फैमिली बन रही है। हाँ, दो फैमिलीज देखने को मिलेंगी, एक स्मॉलर HUF, एक बिगर HUF, लार्जर HUF, पेरेंट HUF। ये सब स्मॉलर HUF है, ये अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एक स्मॉलर HUF है, ये अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ स्मॉलर HUF है। तो सर HUF के लिए फैमिली मेंबर्स का होना जरूरी है। अगर मैं बात करूं HUF की तो दो वर्ड्स आपको बहुत ही ढंग से समझने पड़ेंगे जिसमें हमेशा आप कंफ्यूज रहते हैं। सर वो दो वर्ड्स क्या हैं जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं? पहला वर्ड है मेंबर को समझना और दूसरा वर्ड है को पार्शनर्स को समझना। सर ये को पार्शनर, हिंदी में कहते हैं इसको सहभागी और इसको कहते हैं सदस्य। तो सर ये मेंबर्स और को पार्शनर दो चीजें हैं? हाँ बेटा, ये दो चीजें हैं। मेंबर्स जो फैमिली में है वो मेंबर्स का हिस्सा है, वो सारे मेंबर्स मिल करके फैमिली को बनाते हैं। सारे के सारे को पार्शनर सहभागी मेंबर्स तो हैं, जितने लोग हैं फैमिली में, ऑल दोज आर मेंबर्स, दैट्स इट। सर जितने भी फैमिली में हमारे लोग हैं वो सारे मेंबर्स? हाँ, फैमिली मेंबर्स, आप जानते हो, नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलते हो दीज आर आर फैमिली मेंबर्स। इन द सेम वे घर में जितने लोग होंगे वो सब आपके HUF के मेंबर्स माने जाएंगे। तो एक बात बताइए, को पार्शनर्स फिर क्या है? उन मेंबर्स से कुछ हटके है ना बेटा? ना, को पार्शनर्स का मतलब होता है सहभागी, और को पार्शनर केवल 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 वही हो सकता है, ढंग से सुनना मेरा ये सेंटेंस, को पार्शनर केवल वही हो सकता है जिसको घर के पार्टीशियन यानी बंटवारे का अधिकार मिला हो। को पार्शनर केवल वही मेंबर हो सकता है जिसको घर में बंटवारे का अधिकार मिला हो, बात खत्म, इसके आगे सोचना बेकार है। तो क्या कोई
बच्ची यानी किसी भी फैमिली में फीमेल मेंबर्स को पार्शनर्स हो सकते हैं क्या? मैंने केवल अब तक ये बोला को पार्शनर्स आर दोज फैमिली मेंबर्स हु हैव राइट टू आस्क फॉर द पार्टीशन ऑफ द फैमिली। इट मींस ऑल द मेंबर्स हैव नो एनी राइट टू आस्क फॉर पार्टीशन। ओनली द मेंबर्स हु आर द को पार्शनर्स कैन आस्क फॉर द पार्टीशन। अच्छा सर जी, यानी जो केवल सहभागी होंगे वही हमारे बंटवारे के लिए साझा चूल्हा अलग अलग करना, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होना, उस लार्जर एचयूएफ से इस छोटे स्मॉलर एचयूएफ में कन्वर्ट होना बाद में बात करते हैं, फालतू चीजें हैं। ये समझना जरूरी है वो मेंबर, मैंने वर्ड यूज किया, वो मेंबर जो घर के बंटवारे के लिए कॉल कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, उनको हम को पार्शनर्स कहते हैं। तो सर को पार्शनर में तो इसका मतलब केवल मेल मेंबर आएगा, फीमेल मेंबर्स नहीं आएंगे। दिमाग से निकाल दो, दिमाग से ये बात निकाल दो। अब कानून बदल गया है, अब कानून ये अब लॉ यानी कानून ये कहता है कि जो कॉमन एंसेस्टर की डॉटर होगी ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे वर्ड बहुत ही ढंग से सुनना, जो मैं बोलूं, जो मैं पक पक करूं उसको ढंग से सुनना। मैंने वर्ड क्या यूज किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो कॉमन एंसेस्टर की डॉटर है, मान लेते हैं ये डॉटर है, डी फॉर डॉटर, तो सी फॉर सन, एस फॉर सन होता है ना, तो मिस्टर ए की जो डॉटर है डी, शी इज ऑल्सो अ को पार्शनर। ओ सर गड़बड़ हो गई, हमें तो ये मालूम ही नहीं था, हम तो ये सोचते थे केवल हम भाई लोग ही घर का बंटवारे में हिस्सा पा सकते हैं। फिर मैंने कहा दिमाग से ये बात निकाल दो, इक्वल शेयर मिलेगा, इन तीनों को इक्वल शेयर मिलेगा। और मिस डी कॉल कर सकती हैं, क्लेम कर सकती हैं घर के बंटवारे के लिए, क्योंकि जो अमेंडेड एक्ट है हिंदू लॉ का, उसमें साफ साफ कहा गया है कि एक डॉटर के पास भी अधिकार होता है घर के पार्टीशन को क्लेम करने के लिए। हम हर फीमेल मेंबर की बात नहीं कर रहे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी फीमेल मेंबर ऑफ द हाउस और द फैमिली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डॉटर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डॉटर हु इज द, मीन्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट फीमेल मेंबर हु इज द डॉटर ऑफ द कॉमन एंसेस्टर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हम इसके बेटी की बात नहीं कर रहे, हम इसके बेटे की बात नहीं कर रहे, हम केवल उस डॉटर की बात कर रहे हैं जो उस कॉमन एंसेस्टर की है। वो केवल को पार्शनर बन सकती है और बंटवारे में अपना हिस्सा ले सकती है। तो बार बार अब कंफ्यूजन जनरेट मत करना, अगर कहीं पढ़ा है तो बस इतना याद कर लो, कॉमन एंसेस्टर की जो डॉटर होगी शी कैन ऑल्सो लॉज अ क्लेम टू गेट द पार्टीशन ऑफ द फैमिली, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये भी को पार्शनर है। तो को पार्शनर में मेल एंड फीमेल मेंबर दोनों हो सकते हैं, ये कहना अब गलत नहीं होगा, ये कहना अब बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एचयूएफ में केवल मेल मेंबर होते हैं। हाँ, जो एचयूएफ को संभालने वाला होता है, जो एचयूएफ को मैनेज करने वाला होता है, वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है। मैंने वर्ड यूज किया सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है, जिसको हम कर्ता का नाम देते हैं, कर्ता धर्ता, इस घर का यही कर्ता धर्ता है। जरूरी नहीं जो कमाए वही घर का कर्ता हो सकता है घर का मोस्ट सीनियर पर्सन
काम ना करता हो, लेकिन हम उसे एचयूएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्ता का नाम देंगे, और कर्ता ही उस एचयूएफ को रिप्रेजेंट करेगा। जरूरी नहीं कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर हो वही घर का कर्ता हो, सबकी सहमति हो तो किसी जूनियर मेंबर को भी हम कर्ता बना सकते हैं। अगर सबकी एसेंट हो, सबकी परमिशन मिल जाए तो किसी जूनियर को भी हम घर का कर्ता बना सकते हैं। लेकिन अगर घर में कोई मेल मेंबर ना हो तो घर की जो फीमेल हैं, सर कंफ्यूजन, जो घर की फीमेल हैं वो मैनेजर की तरह काम करेंगे। तो इसका मतलब सर आप केवल इतना बताना चाहते हैं कि फीमेल कभी कर्ता नहीं हो सकती। मैंने कब बोला कि फीमेल कभी कर्ता नहीं हो सकती? कॉमन एंसेस्टर की डॉटर जो को पार्टनर है, शी कैन ऑल्सो बिकम अ कर्ता ऑफ द फैमिली। आगे है ना ट्विस्ट कहानी में। जरूरी नहीं कि केवल मेल मेंबर कर्ता हो घर का, फीमेल मेंबर्स भी कर्ता हो सकती है, बशर्ते कॉमन एंसेस्टर की डॉटर। सर आप बार बार वहां बात को ले जा रहे हैं, याद रखो केवल अब मेल मेंबर नहीं, फीमेल मेंबर भी हमारे एचयूएफ के को वार्शनर माने जाते हैं, केवल एक कंडीशन में मैंने बताया, डॉटर ऑफ द कॉमन एंसेस्टर, याद रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि कर्ता जूनियर मेंबर भी हो सकता है, नॉर्मली सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, और अगर जरूरत पड़े तो हम एक फीमेल को भी कर्ता बना सकते हैं। वो कंडीशन अब आपके पास क्लियर है। कुछ एक सेंटेंस ये भी समझ में आ गए कि सारे के सारे को पार्टनर घर के मेंबर होते हैं, लेकिन घर के सारे मेंबर को पार्टनर नहीं होते। लेकिन सारे को पार्टनर घर के मेंबर होंगे, ये तो तय रहा। जैन एंड सिख बता दिया, को पार्टनर एंड मेंबर्स की बात करते हैं। HUF consist of members, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, adult and minor, चाहे वो वयस्क हो चाहे वो बच्चे हो। Some of the members of HUF are designated as co-partners. They are from among the male members. लेकिन आगे मैंने कुछ जोड़ा है। With effect from 9th of September 2005, Evan daughter, whether married or unmarried, the most important word is married or unmarried. केवल आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी सिस्टर की शादी हो गई, वो तो अपने घर चली गई, अब हम दो तीन भाई मिलकर के इस घर का बंटवारा करेंगे, दिमाग से ये बात निकाल देना। She is still the co-partner of this family. उस फैमिली में जो उसका अधिकार है, इस फैमिली में भी उसका बराबर बराबर का अधिकार है। तो ये कब से आया सर? 9th September 2005 से, वो देखते हैं। Will be co-partner of the family. The co-partner must be a member, but a member of the family need not be a co-partner. All the co-partners of the family constitute what is called a co-partnery. No co-partnery can be commenced without a common male ancestor. Common male ancestor. Clear? So, co-partners acquires by birth. By birth ही एक को पार्टनर राइट पा लेता है उस घर में इक्वल शेयर का। एंड इंटरेस्ट इन द ज्वाइंट प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली ओनली मेयर अ मेंबर हैव नो राइट टू क्लेम पार्टीशन। नाउ डॉटर ऑफ को पार्टनर शैल बाय बर्थ बिकम अ को पार्टनर इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। हैंस
डॉटर कैन ऑल्सो आस्क फॉर पार्टीशन, बता दिया। अब आते हैं सर, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं एच यू एफ मीन्स, सबसे पहले तो ये बताइए, अब एच यू एफ तो दिमाग में सेट हो गया, एक फैमिली हमने रख ली, उस फैमिली की कौन सी ऐसी चीज है, मेरी बात ढंग से समझना, उस फैमिली की ऐसी कौन सी चीज है जिस पर हम टैक्स लगाने जा रहे हैं। आप बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो असेसमेंट के लिए डिफरेंट टैक्स एंटिटी, भाई बेटा पहले ये समझो, हम जो कमा रहे हैं अपने लिए कमा रहे हैं या फैमिली के लिए कमा रहे हैं। सर आप जो कमा रहे हैं फैमिली के लिए, हम अपने लिए भी कमा रहे हैं फैमिली के लिए भी कमा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है मेरे जाने के बाद किसकी है, सर ऐसी गलत गलत बात ना करें, बट ऑब्वियस है बच्चों की है, तो उनके पास एक प्रॉपर्टी बैठे बैठाए मिली ना, मैं हूं कॉमन एंसेस्टर, दो मिनट के लिए मान लेते हैं। अच्छा सर, यानी मेरे पूर्वज जो कमा कर हमको दे गए वो कॉमन एंसेस्टर है, पूर्वज जो हमको कमा कर दे गए वो कॉमन एंसेस्टर थे, दे गए का मतलब आप चाहते हो उनकी डेथ हो जाए, दिमाग से निकाल देना। फिर से मैं बात कर रहा हूं, कॉमन एंसेस्टर जिसको हम यहां रखेंगे वो लिविंग पर्सन होगा, लिविंग इंडिविजुअल होगा, डाइड पर्सन कभी भी कॉमन एंसेस्टर की कैटेगरी में नहीं आएगा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर आपने फिर हमें कंफ्यूज कर दिया, जो ये कॉमन एंसेस्टर है ये जिंदा है, ये पीढ़ी जिंदा है, ये एक जेनरेशन जिंदा है, एवं इनके जो बेटे बेटियां हैं ये हैं, ये है आपकी फर्स्ट डिग्री, ये है आपकी सेकंड डिग्री, जैसे लग रहा है क्लास पास करते जा रहे हैं, ये है आपकी थर्ड डिग्री एंड दिस इज योर IJKLMN, ये आपकी फोर्थ डिग्री है। सोच लो, लिविंग एंसेस्टर जो कॉमन एंसेस्टर है, लिविंग कॉमन एंसेस्टर, वहां से लेकर फोर्थ डिग्री तक के सारे सारे पर्सन घर के मेंबर्स माने जाते हैं। तो क्या सर, अगर ये जिंदा है और इनके हैं बच्चे तो क्या वो मेंबर नहीं माने जाते? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बेटा हो या बेटी को पार्शनर नहीं मानना, को पार्शनर मत मानना, को पार्शनर केवल और केवल इन चार डिग्रीज के अंदर जो मेंबर्स होंगे वही को पार्शनर होंगे। तो सर एक बात बताइए, मिस्टर ए को पार्शनर, मिस्टर बी, मिस्टर सी को पार्शनर, मिस डी या मिसेस डी जो बच्ची है इसकी शादी हो गई है उसको भी हम यहाँ को पार्शनर मानेंगे, लेकिन इसके बाद इसका बेटा या बेटी को पार्शनर या फैमिली मेंबर्स में नहीं आएगा, दिमाग में से निकाल देना। अगर दिमाग में यह है कि इसके बेटे या बेटी भी फैमिली मेंबर्स माने जाएंगे, नॉट एट ऑल, किनारे, यानी इसको पार्टीशन करने का अधिकार है, इक्वल शेयर लेने का राइट है। तो सर एक बात बताइए, ये बेटा बेटा तो क्या ये लोग सब को पार्शनर है? हाँ, बाय बर्थ दे गेट अ राइट टू क्लेम फॉर पार्टीशन। इस कॉमन एंसेस्टर से लेकर चार पीढ़ियां जो होंगी, चार जनरेशन, फोर्थ डिग्री जनरेशन तक हम इनके को पार्शनर्स मानेंगे। लेकिन इसके अलावा फीमेल मेंबर्स अगर हैं, चाहे किसी की विडो हो, चाहे वो किसी की सिस्टर हो, चाहे वाइफ, वो सब फैमिली मेंबर्स माने जाएंगे, को पार्शनर नहीं माने जाएंगे। फिफ्थ जनरेशन के बेटे ही क्यों ना हो, वो को पार्शनर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो केवल और केवल मेंबर माने जाएंगे। तो सर अब हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया,
की कॉमन एंसेस्टर जिंदा होना चाहिए, उसके नीचे की तीन पीढ़ियाँ कॉमन एंसेस्टर, उनका सन, उनका ग्रैंडसन, उनका ग्रेट ग्रैंडसन, बस सर, बस आगे ना बढ़िए, बस कॉमन एंसेस्टर, उसकी डॉटर, उसके बाद कुछ भी नहीं, बस ये लोग हैं फैमिली मेंबर्स, ये लोग हैं, इन्हीं में से माने जाते हैं आपके को पार्शनर्स। सारे लोग को पार्शनर्स नहीं हो सकते, मेंबर्स सब कुछ हो सकता है, सब कोई हो सकता है। सर बहुत हो गया, आप थोड़ा आगे चलिए। सो को पार्शनर्स एक्वायर्स बाय बर्थ एन इंटरेस्ट इन द ज्वाइंट प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली ओनली मेयर अ मेंबर हैव नो राइट टू क्लेम पार्टीशन। केवल आप घर के सदस्य हैं तो आप पार्टीशन पार्टीशन चिल्लाओ, कुछ नहीं होने वाला। एट एनी पर्टिकुलर टाइम इट इज लिमिटेड टू अ मेल मेंबर विद इन 4 डिग्रीज ऑफ द कॉमन मेल एंसेस्टर इंक्लूडिंग कॉमन एंसेस्टर। इनको लेते हुए 4 डिग्री, दिस इज योर फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री होल्डर ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकेंड डिग्री सन एंड डॉटर, थर्ड डिग्री ग्रैंड सन, फोर्थ डिग्री ग्रेट ग्रैंड सन, दैट्स इट। कहीं मैंने ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड डॉटर वर्ड यूज नहीं किया है, समझ में आ गया। केवल डॉटर ऑफ द कॉमन एंसेस्टर विल बी ट्रीटेड एज अ को पार्शनर। मैं बार बार इस चीज पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। चार्ट नीचे बना हुआ है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री एंड फिफ्थ डिग्री। फिफ्थ डिग्री विल नॉट बी ट्रीटेड एज द को पार्शनर एवन दो दे आर द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दे विल बी ट्रीटेड एज द मेंबर ऑफ द फैमिली बट दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड लाइक योर को पार्शनर्स। ओके, अब ढंग से सुनना। एन अनमैरिड को पार्शनर, अब बताओ एक बात, इसकी शादी नहीं है तो बेटा पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकता है, को पार्शनर है, घर का पार्टीशन करवा डाला बहुत जल्दी, बाकी किसी ने क्लेम नहीं किया, इसी को जल्दी थी पार्टीशन की, इसने पार्टीशन करवा डाला। अब इनके पास जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो सारे लोगों में बंट गई, शेयर आ गया। इसके पास जो प्रॉपर्टी है, क्या एक अकेला, क्या कोई इंडिविजुअल एज अ सिंगल पर्सन HUF जनरेट कर सकता है क्या? बिकॉज राइट नाउ ही इज नॉट अ मैरिड वन, कैन ही क्रिएट एन HUF? सर आप भी क्या बात करते हैं, HUF की प्रॉपर्टी इसके पास आएगी तो वो HUF? ना मुन्ना ना, HUF की प्रॉपर्टी आने से HUF क्रिएट नहीं होता। हाँ, मैंने वर्ड यूज किया फैमिली और मेंबर, बिना कोई फैमिली मेंबर हुए अकेला बंदा फैमिली जनरेट नहीं कर सकता, उसके लिए फैमिली मेंबर होना जरूरी है। भाई हाँ, सिस्टर हाँ, वाइफ हाँ, बेटा हाँ, बेटी हाँ, ठीक, वहां पर HUF जनरेट हो गया, लेकिन एक अकेला HUF जनरेट नहीं कर सकता। तो सर जैसे ही ये मैरिड हो जाएगा HUF बन जाएगा? अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला, जैसे ही ये मैरिड हो जाएगा ये HUF बन जाएगा। सर ये शादी नहीं करना चाहता, इसने किसी को गोद ले लिया, तो गोद में ले लिया तो हो गई फैमिली, क्या दिक्कत है? मैंने तो शुरू में ही बता दिया था एडॉप्टेड स्ट्रेंजर पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ द फैमिली, आते ही बताया। तो अब इसमें कोई लोचा नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट अराइज नहीं हो रहा होगा। अच्छा, तो सर आपने इतनी बात की, आपने कहा कि इनके पास कौन सी चीजें होती हैं टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वापस आइए उस मैटर पे। जो कॉमन एंसेस्टर को मिली है पहले से प्रॉपर्टीज, वो इन लोगों ने जो इसने क्रिएट की है प्रॉपर्टीज HUF के नाम से, वो जो मेंबर्स ने अपनी प्रॉपर्टीज दी है इस फैमिली को HUF के नाम से, वो ये सारी चीजें क्या है? HUF की एसेट्स हैं, HUF इन एसेट्स से इनकम कमाएगा। HUF के पास हो सकता है 10 लाख रुपए हो, अब वो 10 लाख रुपए इनको मिले हो अपने पुराने एंसेस्टर से, इसके पहले की जेनरेशन से इनके पास आए, वो हो गया कॉमन पूलिंग, कॉमन फंड।
इन्होंने जो उन 10 लाख रुपयों को इन्वेस्ट करके कमाया है वो भी फंड बन गया एचयूएफ का। इन लोगों इन मेंबर्स ने भी कुछ ना कुछ कमाया और अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ को दे दिया, तो वो एचयूएफ की प्रॉपर्टीज हैं और एचयूएफ उससे कमाएगा तो टैक्स भी लगेगा ना, सेपरेट टैक्स एंटिटी, सेपरेट टैक्स एंटिटी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इसके पास जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, एक्रीशन देयर टू, उसमें जो इसमें ग्रोथ करवाई, मिला था 4 माले का बिल्डिंग, इसने बना दिया 10 माले का, ओके। एक्विजिशन विद ज्वाइंट फंड्स, जो ज्वाइंट फंड मिला उससे कुछ प्रॉपर्टीज जनरेट हुई या फंड में बढ़ोतरी हुई। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेंबर, ढंग से सुनना, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थ्रोन ऑफ एनी मेंबर थ्रोन बाय हिम, घर का कोई भी मेंबर हो। अब मैंने यहां पर मेल और फीमेल अभी नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर बाद मैं फिर इस चीज को क्लियर करूंगा। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेंबर थ्रोन बाय हिम इनटू द कॉमन स्टॉक टू बी ट्रीटेड एज द फैमिली प्रॉपर्टी। अगर मिस्टर बी को लगता है कि उसके पास कोई घर है जो उसने अपने मेहनत से कमाया और वो इन फैमिली से कोई मतलब नहीं है उस घर का, और उसने उस घर को सीधे सीधे किसके नाम लिख दिया? एचयूएफ के नाम लिख दिया। अब वो घर किसका, एचयूएफ का या मिस्टर बी का? एचयूएफ का सर। अब वो जो इंडिविजुअली मेंबर ने किसी एसेट को क्रिएट किया था, अगर वो चाहे तो उस एसेट को एचयूएफ को दे सकता है। थ्रोन बाय मेंबर, थ्रोन बाय हिम इनटू द कॉमन स्टॉक टू बी ट्रीटेड एज द फैमिली प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ पुष्पा देवी। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट अ हिंदू फीमेल, आ गए सर आप आ गए, अभी आप मिस्टर बी की बात कर रहे थे, अब जरा मैं मिसेस बी की बात कर लूं। मिसेस बी की बात कर लेते हैं। इन द केस ऑफ पुष्पा देवी द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट अ हिंदू फीमेल नॉट बीइंग अ को पार्टनर, सही है, मेंबर है, कैन नॉट ब्लेंड हर सेपरेट प्रॉपर्टी विद ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी फैमिली की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकती, हॉच पॉच हो जाएगा, यानी खिचड़ी बन जाएगी। ये मैं नहीं बोलता, सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड यूज किया है, हॉच पॉच, ठीक। तो हाउवर शी कैन मेक अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू द फैमिली, लेकिन अगर वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे सकती है, अगर वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ को गिफ्ट में दे सकती है, अगर वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ को सेल कर सकती है, अगर वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ को गिफ्ट या सेल कर सकती है, अब वो प्रॉपर्टी एचयूएफ की हो जाएगी। A female member could not throw her property into the family hodgepodge, and the only way she could achieve her purposes was either by gifting it or selling to the HUF. हो गया? जब इतना हो गया है तो एक चीज और देख लेते हैं, चलो वो बाद में आएगा, क्लबिंग के केस में हम लोग आगे देखेंगे। दो तरह के स्कूल्स पाए जाते हैं, यानी इन टोटालिटी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। सर पहले एक बार कर्ता को बता दीजिए, वो शायद मैंने वर्ड छोड़ दिया, डिफाइन आपको इसमें से नहीं किया, हो सकता है कुछ छूट रहा हो, अदरवाइज मैंने उस चीज को क्लियर कर दिया है। प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली इज ऑर्डिनरली मैनेज्ड बाय द फादर और अदर सीनियर मेल मेंबर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ द फैमिली। मेल मेंबर ही इज कॉल्ड कर्ता, हाउएवर द सीनियर मेंबर मे गिव अप हिज राइट ऑफ द मैनेजमेंट एंड अ जूनियर मेंबर मे बी अपॉइंटेड एज कर्ता विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर मेंबर, यानी मेल मेंबर। इन द एब्सेंस ऑफ अ मेल मेंबर इन द फैमिली और व्हेन ऑल द मेल मेंबर्स आर माइनर्स, अ वीमेन मेंबर, वीमेन मेंबर मींस एनीबॉडी, एनीबॉडी फीमेल मेंबर, अ वीमेन मेंबर कैन बी ट्रीटेड एज अ मैनेजर ऑफ द फैमिली फॉर इनकम टैक्स पर्पजेस। Since daughter is also a co-partner, it may be presumed that daughter can also be a karta of her family. ठीक, father HUF में उसकी बच्ची करता की तरह रोल प्ले कर सकती है after the amendment in Hindu law in 9th of September 2005. Clear है सर? आप हमें सर बता रहे थे कि कितने तरह के schools हैं? There are two types of schools of HUF. HUF को दो category में बांटा गया है। HUF को दो कैटेगरीज में शामिल किया गया है, और वो दो कैटेगरीज हैं आपकी, पहली कैटेगरी कहलाती है मिताक्षरा संप्रदाय और दूसरी कैटेगरी कहलाती है दायभाग संप्रदाय।
पहली कैटेगरी कहलाती है मिताक्षरा संप्रदाय और दूसरी कैटेगरी कहलाती है दायभाग संप्रदाय। स्कूल भी आप लिख सकते हैं, वो वाला स्कूल नहीं जहां आप हुआ आए हैं। ये मिताक्षरा संप्रदाय क्या है, ये दाय भाग संप्रदाय क्या है? अगर मैं बोलूं सर, आप बोलिए। मैंने दो वर्ड लिखे, हिंदी में लिख दिया मैंने, मिताक्षरा एंड दाय। मिताक्षरा से एक वर्ड क्लियर हो रहा होगा, मित्र। मित्र मतलब दोस्त, मित्र मतलब दोस्त। दाय का मतलब होता है दया, दया भाभी नहीं, और ना तो सीआईडी का मिस्टर दया, यहां पर दया, दया करना, सिंपैथी, मर्सी। दो तरह के संप्रदाय हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं अभी तक, दायभाग संप्रदाय और मिताक्षरा। जो दायभाग संप्रदाय है वो वेस्ट बंगाल एंड आसाम में मिलता है। अच्छा जी, रेस्ट ऑफ इंडिया यानी होल इंडिया एक्सेप्ट बोल वेस्ट बंगाल एंड आसाम, मिताक्षरा मिलता है। तो हमको तो ये डाउट नहीं होना चाहिए, इफ आई एम लिविंग इन यूपी आई कैन से दैट आई एम अंडर द कैटेगरी ऑफ मिताक्षर संप्रदाय। इफ आई एम इन दिल्ली, इफ माई फैमिली बिलोंग्स टू दिल्ली, देन आई एम इन द कैटेगरी ऑफ मिताक्षरा। दैट्स इट। क्या है दोनों में फर्क? नाम से ही काम छिपा हुआ है, मैंने इसलिए मित्र और दोस्त लिखा और इसलिए वहां पर दया वर्ड यूज किया। जैसे ही कोई चाइल्ड बर्थ लेगा मिताक्षरा संप्रदाय में, एज एंड व्हेन अ चाइल्ड टेक्स प्लेस अ बर्थ अंडर द मिताक्षरा संप्रदाय, ही और शी, इफ शी इज अ डॉटर ऑफ द कॉमन एंसेस्टर, मैं बार बार उस चीज पर एम्फेसाइज कर रहा हूं, तो उनको पैदा होते ही राइट मिल जाता है घर का पार्टीशन क्लेम करने के लिए। दैट्स व्हाई दे आर फ्रेंड, दे आर मित्र, दे आर मिताक्षरा। यानी बच्चा आएगा, पैदा होगा, उआ उआ करेगा, तो बेटा ये समझ लो वो दोस्त बन गया है, खुशी के आंसू रुक नहीं रहे, वो चीख चीख कर कर आया, घर का बंटवारा करने के लिए मैं आ गया। और अगर वही मैं बात करूं दाय भाग की, यानी कि वहां पर को पार्शनरी सेट हो गई, को पार्शनरी तो सेट हो गई मिताक्षरा संप्रदाय में, जैसे ही एक चाइल्ड आया मिताक्षरा संप्रदाय में को पार्शनरी सेट हो गई, या तो मेंबर बन जाएगा फैमिली का या तो को पार्शनर बन जाएगा, इज इट ओके? लेकिन अगर बात करें दायभाग संप्रदाय में, इसकी फाउंडेशन कब बनती है, दिमाग से निकाल देना, इसकी फाउंडेशन कब बनती है दिमाग से निकाल देना, जब तक बाप जिंदा है तब तक बेटों का उनकी प्रॉपर्टी में बेस्ट ऑफ लक यानी ठेंगा कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए कहा गया है वो जब भी, जब तक जिंदा रहेंगे बच्चे, या जब तक बाप जिंदा रहेंगे बच्चे उनकी दया पर पलेंगे, उनको पार्टीशन का राइट नहीं है, इसीलिए नाम है दया भाव। याद करने का है सिस्टम। तो वहां अगर कोई बच्चा मेल मेंबर ही पैदा क्यों ना हो, उसको पार्टीशन क्लेम करने का राइट नहीं है।
अगर यहां मिस्टर ए है और यहां मिस्टर ए है, कॉमन एंसेस्टर दो मिनट के लिए मान लेते हैं, ये अगर अगर प्रॉपर्टी को बेचना चाहे ये लोग रोक सकते हैं, खरीदना चाहे रोक सकते हैं। मिस्टर ए यहां पर प्रॉपर्टी के साथ जो करना चाहे, किसी को गिफ्ट देना चाहे, किसी को फ्री में देना चाहे, किसी को कम अमाउंट लेकर देना चाहे, सेल करना चाहे, तोड़ना चाहे, जोड़ना चाहे, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है उसको, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है उसको। और इसके बच्चे आंखें फाड़ फाड़ करके अपने बाप को देखेंगे, जिस तरह से वो डिस्पोज ऑफ करना चाहे प्रॉपर्टी को वो कर सकता है। सर एक कंफ्यूजन है, मैं समझ गया आपका कंफ्यूजन। तो सर ये एचयूएफ की तरह ट्रीट होगा या इंडिविजुअल की तरह, इंडिविजुअल स्टेटस की तरह? किस तरह? एचयूएफ नहीं बना, एचयूएफ नहीं बना, तो सर एचयूएफ कब बनेगा? एचयूएफ कब बनेगा? आप पढ़ा तो रहे हो एचयूएफ। ये मिस्टर ए, इसके दो बेटे मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, मिस्टर बी नहीं, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, इनकी हो गई डेथ, इनकी हो गई डेथ। अब ये प्रॉपर्टी आएगी इनके हाथ में, एंड बोथ ऑफ दीज टू पर्सन्स मिस्टर बी एंड सी विल बी द को ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर दोनों म्यूचुअली कंसेंट के साथ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आई एम जस्ट गोइंग टू टेल, अगर म्यूचुअली कंसेंट के साथ ये उस प्रॉपर्टी जो यहां से आई है एचयूएफ की तरह रखना चाहें, तो एचयूएफ की तरह रख सकते हैं, दे कैन फ्रेम एचयूएफ। अदरवाइज इंडिविजुअल स्टेटस, इंडिविजुअल स्टेटस, दैट्स इट। अब ये प्रॉपर्टी इनके बेटे अपने बाप को आंखें फाड़ फाड़ करके देखते रहेंगे, जैसे वो डिस्पोज ऑफ करना चाहे उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। और ये सारी चीजें मैंने आपको यहां दी हुई हैं। पहला फाउंडेशन, इन द मिताक्षरा स्कूल द फाउंडेशन ऑफ अ को पार्शनर इज लेट डाउन व्हेन अ सन इज बॉर्न टू द मिताक्षरा फादर। सन के साथ साथ आप ऑब्लिक करके डॉटर भी लिख सकते हो, डॉटर ऑफ द कॉमन एंसेस्टर। अंडर द दायभाग स्कूल द फाउंडेशन ऑफ अ को पार्शनरी, दायभाग को पार्शनर इज लेट ऑन द डेथ ऑफ द फादर लिविंग एज सर्वाइवर्स वन और मोर सन्स। राइट टू पार्टीशन, मिताक्षरा सन इन होम the interest of family properties vested by birth are along possesses a right to demand partition. यहाँ पर demand किया जा सकता। A dayabhag son, on the other hand, acquires no interest in the family property by birth and consequently has no right to demand partition of the HEF from his father. Okay. Quantum of share, यहाँ पर quantum तो decide ही नहीं हो सकता। बच्चा पैदा होता है, फैमिली मेंबर बढ़ जाता है, सबका शेयर कम हो जाएगा, फैमिली मेंबर चला जाता है तो सबका शेयर बढ़ जाता है। देखो ना, यहां पर कोई क्वांटम या शेयर कैन नॉट बी डिफाइंड एट ऑल। इट इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन गोज आउट, इट डिक्रीजेस व्हेन अ न्यू चाइल्ड और न्यू मेंबर्स कम्स इन। बात खत्म। अंडर मिताक्षरा लॉ ईच को पार्शनरी टेक्स एज अनडिफाइंड शेयर इन द को पार्शनरी प्रॉपर्टी। The share of the members decreases by birth in the family and increases upon death of a co-partner. A dayabhag co-partner, on the other hand, always takes a defined share in the property left by his deceased father. यहाँ पर defined property, defined share होता है, उल्टा लग रहा होगा, हाँ, यहाँ undefined रहता है।
गिफ्ट आउट ऑफ एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मिताक्षरा करता मे मेक अ गिफ्ट ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली आउट ऑफ द लव एंड अफेक्शन विद इन रीजनेबल लिमिट. ही कैन ऑल्सो मेक अ गिफ्ट ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी विद इन रीजनेबल लिमिट ऑफ पायस पर्पजेस फॉर चैरिटेबल रिलीजियस और अ डॉक्टर इन फुलफिलमेंट ऑफ अ न्यूपिटल प्रोमिसेस एक्सेट्रा. हाउ अ गिफ्ट टू स्ट्रेंजर इज वॉइड, तो यानी बाहर नहीं दे सकते एसेट्स को. ऑन द कॉन्ट्रेरी अ दायभाग फादर कैन एलिनेट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल बाई सेल गिफ्ट विल और अदरवाइज इन द सेम वे एज ही कैन डिस्पोज ऑफ हिज सेपरेट प्रॉपर्टी. दैट्स इट. ये सर मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम. किस पर? क्लबिंग ऑफ इनकम बहुत ही सिंपल टॉपिक है. काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी. क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है, और ये चीज़ हम लोग पहले भी देखते आए हैं. जब हमने हाउस प्रॉपर्टी देखा था तो वहाँ पर क्लबिंग ऑफ इनकम देखा था. सेक्शन 27, द होल्डर ऑफ द इम्पार्टेबल स्टेट विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. अ होल्डर ऑफ द इम्पार्टेबल स्टेट विल बी ट्रीटेड एज द ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी कंप्राइज इन द इम्पार्टेबल स्टेट. उस इम्पार्टेबल स्टेट के अंदर आने वाली सारी प्रॉपर्टीज का डीम्ड ओनर उस होल्डर को माना जाता है, कर्ता को माना जाता है, अगर कोई इम्पार्टेबल स्टेट है तो. ठीक, एक चीज ये क्लियर हो गई. अगर कोई फैमिली मेंबर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर कोई फैमिली मेंबर चाहे तो अपनी फंड से कोई घर जो उसने खरीदा है, जो उसकी पर्सनल अर्निंग है, पर्सनल अर्निंग कभी एचयूएफ की अर्निंग नहीं हो सकती, वो मेरी पर्सनल है, लेकिन अगर मैंने उस पर्सनल अर्निंग से कोई प्रॉपर्टी खरीदी या उस पर्सनल फंड को मैं अपने ज्वाइंट फैमिली को प्रोवाइड कर देता हूँ तो वो ज्वाइंट फंड बन जाएगा, और जो प्रॉपर्टी मैंने दी वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी या फैमिली प्रॉपर्टी बन जाएगी. लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी अपनी एचयूएफ को दे दी, ट्रांसफर कर दी विदाउट एडेक्वेट कंसीडरेशन के, या विदाउट कंसीडरेशन के वो मेरी सेपरेट प्रॉपर्टी थी जिस पर केवल मेरा अधिकार था, अब वो प्रॉपर्टी मैंने अपने एचयूएफ को थ्रो कर दी, दे दी, ले जा, आज सी प्रॉपर्टी हम सबकी मिलकर के है, मेरी अकेले नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी पे कमाई गई इनकम, उस प्रॉपर्टी पे कमाई गई इनकम जो अब एचयूएफ की हो गई, वो इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल ना होकर मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी. वो इनकम एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल ना होकर के ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी. दीज आर द प्रोविजंस वी हैव ऑलरेडी सीन अंडर द चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम. क्लबिंग ऑफ इनकम में हम लोगों ने ऑलरेडी ये प्रोविजन बहुत अच्छी तरह से देखा है. यहां पर मैं केवल उसका रिपीटेशन कर रहा हूं. हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है. अगर एचयूएफ ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं, किसी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं एचयूएफ ने, या किसी पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है एचयूएफ, हो सकता है. अब अगर एचयूएफ पार्टनर है, थोड़ी देर बाद मैं इसको फिर से डिस्कस करूंगा, एचयूएफ एज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म. अगर कोई एचयूएफ जिसने अपने अमाउंट को ट्रांसफर किया हुआ है किसको, फर्म को, ताकि वो उसमें पार्टनर बन सके. अगर एचयूएफ ने किसी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदे हैं किस लिए, ताकि वहां से रिटर्न मिल सके. अब एचयूएफ ने मान लो 2 करोड़ रुपए किसी कंपनी को इन्वेस्ट कर दिए, और उस कंपनी में उस एचयूएफ का मेंबर डायरेक्टर बन गया या उस फर्म में पार्टनर बन गया, क्योंकि इस एचयूएफ ने वहां क्या किया है, इन्वेस्टमेंट. दे हैव राइट टू इंट्रोड्यूस देयर डायरेक्टर्स और टू इंट्रोड्यूस देयर पार्टनर्स इन अ फर्म. नाउ दैट पार्टनर और दैट डायरेक्टर इज गेटिंग अ अमाउंट ऑफ अ सैलरी एंड वॉट एवर द रिमनरेशन. Will it be a taxable in the hand of that individual director who is the member of the HUF or partner of a firm? क्या जो उनको वहां से remuneration मिलेगा वो remuneration उनके हाथ में जाएगा? अच्छा,
अच्छा, मैंने किसी पार्टनर, एक एचयूएफ है उसने कुछ अपना पैसा निकाल करके पार्टनरशिप फर्म को दे दिया और उसमें अपने एक मेंबर को पार्टनर बना दिया। एचयूएफ ने कोई फंड उठाया और किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और वहां पर अपना डायरेक्टर सेट कर दिया। अब उन शेयर्स के अगेंस्ट या डिवेंचर के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट या डिविडेंड आएगा तो सर उसमें सोचना नहीं, वो तो एचयूएफ का है। तो मैं काम कर रहा हूँ, वो तो एचयूएफ का है ही है। जो पार्टनरशिप फॉर्म से जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा वो फर्म एचयूएफ का हिस्सा होगा। मैं तो उस पर डिनाई नहीं कर रहा, दैट विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हैंड्स ऑफ द एचयूएफ एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर और द डायरेक्टर। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं वो डायरेक्टर बन गया। क्यों बना? क्योंकि फंड इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्टेड फंड पर एचयूएफ को रिटर्न मिल रहा है, तो वो तो एचयूएफ के यहां पे टैक्सेबल होगा। उस फंड, उस अमाउंट का क्या जो उस डायरेक्टर को एज अ सैलरी बोनस कमीशन मिल रहा है, उसका हम क्या करेंगे? हमें इसका जवाब सर, वो भी एचयूएफ के हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, वो भी एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल होगा जब तक कि इस चीज को प्रूफ ना कर दिया जाए, कि वो जो बंदा सर्विसेज रेंडर कर रहा है उस कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म को, दो सर्विसेज आर जेन्युइनली रेंडर्ड बाय दैट पर्सन एज अ पार्टनर और अ डायरेक्टर। अगर ये प्रूफ कर दिया जाता है कि जो डायरेक्टर है, जो पार्टनर है, वो जेन्युइनली वर्क कर रहा है और उनके इन्वेस्टेड फंड के अगेंस्ट उनको रिमनरेशन नहीं बल्कि उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट उनको रिमनरेशन दिया जा रहा है, देन दोज इनकम विल बी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेस्पेक्टिव मेंबर्स ऑफ द फैमिली एज एन इंडिविजुअल इनकम ऑफ दोज पर्संस। दैट्स इट। आगे देखते हैं। If the funds of a Hindu undivided family are invested in a company or a firm, fee or remuneration, मैं सीधे fee or remuneration की बात कर रहा हूँ, I am not talking about the dividend interest and the share of profit from a firm. Fee or remuneration received by the member as a director or a partner or the company or a firm may be treated as income of the family in the case the fee or remuneration is earned essentially as a result of the investment of fund. But if the fee or remuneration is earned essentially for services rendered by the member in his personal capacity, the income shall constitute the personal income of the member and it will not be clubbed in the hands of the HUF. That's it. Where a member of HUF is a partner in a firm on behalf of the family and on partition of the property, the most important thing, ye final ke exam mein question dene layak hai. Where a member of HUF is a partner in a firm, एक HUF का member किसी partnership firm में partner है on behalf of the family, और उसके बाद घर का बंटवारा हो जा रहा है। एक बंदा partner है, उसके बाद घर का बंटवारा हो जा रहा है। घर का बंटवारा हो रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, बंटवारे में क्या मिल रहा है? जा, तू पार्टनर है, जा वो फंड तेरा, आज के बाद तू जिस फर्म में पार्टनर है ना, जा 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 उस पार्टनर फंड पार्टनरशिप में रह, तेरे को अलग से कुछ नहीं मिलेगा या जो मिलेगा बात की बात है, लेकिन जा, तेरे को आज से उस फर्म का पार्टनर तू इंडिविजुअली है, वो फंड तेरा हो गया। वो जो उस पार्टनरशिप फर्म में जो फैमिली का फंड लगा हुआ था, नाउ दैट फंड इज योर्स। क्लियर? The share in the firm is allotted to such a member subsequent to such allotment when the firm settles its accounts. The whole income for that year would be the income of the individual. Okay. And no part of the income would be added in the hands of the, in the income of the family. उस family के हिस्से में नहीं आने वाला कुछ। अब वो पूरा का पूरा income previous year का जितना कुछ भी था, अब वो उस individual members के हाथ में add होगा, ना कि company के, ना तो HUF के हाथ में नहीं होगा। The personal earning including income from self acquired property of a member of the HUF even though he has sons would not be included in the income of the family. अब मैं हूँ, मैं कुछ कमा रहा हूँ, मेरा है, HUF का कैसे हो जाएगा? वो मेरा है,
इवन मेरे बेटे या बेटियां अगर होंगी तो वो भी क्लेम नहीं कर सकते उस अमाउंट पर, वो मेरा है, अपना है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का थोड़ी है। एनी सम पेड बाय, जब तक कि मैं उस चीज को अपनी फैमिली को ना दे दूं प्रॉपर्टीज वगैरह, एनी सम पेड बाय एन एचयूएफ टू अ मेंबर ऑफ द फैमिली आउट ऑफ इट्स इनकम इज नॉट डिडक्टेबल। एक चीज तो याद रखना, फैमिली अपने मेंबर्स को सैलरी दे, बोनस दे, कमीशन दे, रिमनरेशन दे, वॉट एवर द केस इज, फैमिली अपने मेंबर्स को सैलरी दे, बोनस दे, कमीशन दे, या किसी भी नाम से कुछ भी दे, अलाउ मत कर देना, डिडक्शन अलाउड नहीं होगी, 100% डिसअलाउड होगी, यानी उस अमाउंट ऑफ इनकम पर एचयूएफ खुद टैक्स देगा। दे या ना दे, इंडिविजुअल्स या मेंबर्स के हाथ में टैक्स लगाने की कोशिश मत करना, उसके लिए फर्म एचयूएफ खुद जिम्मेदार है, एचयूएफ खुद जिम्मेदार है। अच्छा जी, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि एक एचयूएफ का जो कर्ता बेचारा काम कर रहा है उसको सैलरी चाहिए, क्योंकि वो ढेर सारे बिजनेस अफेयर्स को डील कर रहा है, देन ही विल ट्राई टू कॉल फॉर अ सैलरी, ही विल ट्राई टू डिमांड फॉर सैलरी। इफ सैलरी इज पेड बाय एचयूएफ टू इट्स कर्ता फॉर लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट इन द फर्म इन विच इट्स अ पार्टनर, सच सैलरी इज अलाउबल। यानी कि अगर कोई कर्ता एचयूएफ के लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज या एफर्ट्स दे रहा है और उन एफर्ट्स के लिए उसको कोई सैलरी दी जा रही है, दैट सैलरी इज डिडक्टेबल, अदरवाइज एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, वॉट एवर द केस इज गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज 100% डिसअलाउबल, 100% डिसअलाउड। इनकम फ्रॉम स्त्री धन इज नॉट इंक्लूडेबल इन द इनकम ऑफ द फैमिली। स्त्री धन फीमेल्स के पास उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हस्बैंड से मिली, भाई से मिली, पिता से मिली, बेटे से मिली, कोई भी कहीं से भी अमाउंट आया हो उस फीमेल के नाम से, वो स्त्री धन माना जाता है, चाहे वो शादी के पहले का हो चाहे वो शादी के बाद का हो, उस स्त्री धन को कभी भी हम एचयूएफ का पार्ट नहीं मानते। मैंने बात पहले ही बता दिया है कि उनको गिफ्ट या सेल करना पड़ेगा, उनको हॉच पॉच में नहीं ला सकते। इफ अ मेंबर हैज कन्वर्टेड और ट्रांसफर्ड विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन, सब हो गया। अब आते हैं सीधे पार्टीशन की बात करते हैं। अच्छा, एक दयाभाग स्कूल की बात करते हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी है, मैं फिर से इसको पढ़ देता हूं। अंडर द दयाभाग स्कूल ऑफ लॉ, नो सन हैज एनी राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज फादर। If therefore his father doesn't have any brother as a co-partner, income arising from ancestral property is taxable as his individual income. अगर Mr. A अकेला है तो इसको जो भी ancestral properties वगैरह मिली हैं ये इसकी individual assets मानी जाएंगी, वो HUF की तरह taxable नहीं होंगी, भले ही उसके family members हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही co-partners हों। यहाँ पर co-partner का foundation तो तब arise होता है ना, co-partners जो मैंने पहला point बताया दोनों में difference, co-partners का foundation तो तब arise होता है जब इनकी डेथ हो जाए, और इनकी डेथ के बाद अगर ये दोनों म्यूचुअली कंसेंट कर लेते हैं भाई पार्टनर की तरह एचयूएफ की तरह रहना है तो एचयूएफ की तरह ट्रीट होगा, अदरवाइज फिर से ये को ओनर की तरह आपस में बांट लेंगे बराबर 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 बराबर, डिफाइंड शेयर मैंने बता दिया है। हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑन पार्टीशन, आखिर अगर बंटवारा हो घर का तो हिस्सा किसको मिलेगा। जितने भी को पार्टनर होंगे घर में उनको तो हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, जितने भी घर में को पार्टनर्स होंगे उनको उनका राइट्स मिलेगा। अ सन इन द वॉम इन द हिज मदर एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन के समय अगर कोई मेल मेंबर मदर के वॉम में है, गर्भ में है, तो उसको भी उसका हिस्सा मिलेगा। ओके, मदर हु गेट्स एन इक्वल शेयर इफ द पार्टीशन टेक्स प्लेस अमंग हर सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, अगर कोई विडो है उसको भी इक्वल शेयर मिलेगा। ओके, वाइफ हु गेट्स अ शेयर इक्वल टू दैट ऑफ अ सन एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन बिटवीन फादर एंड सन, यानी मदर हो गई, वाइफ हो गई, उनको भी शेयर मिलेगा, बट दे कैन नॉट कॉल और क्लेम फॉर द पार्टीशन एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, दे विल गेट देयर राइट। असेसमेंट आफ्टर पार्टीशन, दो तरह के पार्टीशन होते हैं,
एक को हम कहते हैं टोटल पार्टीशन, एक को हम कहते हैं पार्शियल पार्टीशन, एक को हम कहते हैं टोटल पार्टीशन, एक को कहते हैं पार्शियल पार्टीशन। अगर हम टोटल पार्टीशन की बात करें तो जितने भी एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द जो एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर, इट इज नोन एज कंप्लीट पार्टीशन, टोटल पार्टीशन। और जितनी भी प्रॉपर्टी आई वो सारे को पार्टनर्स में बांट दी गई, सारे मेंबर्स में, जिनको मैंने अभी बताया कि वाइफ हो गई, मदर हो गई, को पार्टनर्स हो गए, वॉम्ब ऑफ द मदर अगर कोई सन है तो उसको भी दे आर इक्वली एलिजिबल टू गेट द राइट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एचयूएफ। अब इनको इतना अधिकार मिला, लेकिन अगर हम टोटल पार्टीशन की बात करते हैं तो मींस जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सब में बांट दो, ये टोटल पार्टीशन। तो सर पार्शियल पार्टीशन का मतलब आधी चीजों को बांट दो, पार्शियल है, बांटा तो सारा गया लेकिन कुछ लोगों में बांटा गया, कुछ में नहीं बांटा गया, को पार्टनर होते हुए। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज को कुछ लोगों में बांटना, बाकी लोग कहे हम तो साथ में रहेंगे, चार में से तीन, दो लोगों ने कहा हम साथ में रहेंगे, दो लोगों ने कहा साथ में नहीं रहेंगे, ना अलाउड नहीं है, पार्शियल पार्टीशन अलाउड नहीं है। कुछ ही एसेट को बांटना सब में पार्शियल पार्टीशन है, या तो सारी प्रॉपर्टीज सारे मेंबर्स में बांट दो, ये कहलाता है टोटल पार्टीशन, सारी प्रॉपर्टीज कुछ में या कुछ प्रॉपर्टीज सारों में, ना 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 ना, ये अलाउड नहीं है भैया, ये अलाउड नहीं है। मैं फिर से जो दो वर्ड मैं जोड़ने जा रहा हूं ढंग से सुनना, वेयर द एंटायर, एंटायर को अंडरलाइन कर लें, कंप्लीट, वेयर द एंटायर ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड अमंग ऑल को पार्टनर, ऑल द को पार्टनर, एंटायर प्रॉपर्टी ऑल को पार्टनर, दोनों को अंडरलाइन कर लें, बात समझ में आएगी। अ पार्शियल पार्टीशन में बी एज रिगार्ड द पर्सन कंस्टिट्यूटिंग द ज्वाइंट फैमिली, द प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द ज्वाइंट फैमिली ऑफ बोथ द प्रोविजन में, ठीक है, हो गया। तो अगर पार्शियल, पहले तो ये याद रखो कि एचयूएफ का पार्शियल पार्टीशन इनकम टैक्स कभी अलाउ ही नहीं करेगा। इनकम टैक्स बोलता है सीधे सीधे भाई टोटल पार्टीशन करो, पार्शियल पार्टीशन के लोचे या झंझट में या टिटिनमे में हम नहीं फंसने वाले, आप टोटल पार्टीशन कर डालो। पार्शियल पार्टीशन अगर आप करेंगे तो हम अलाउड नहीं करेंगे, अगर आप पार्शियल पार्टीशन करेंगे तो हम मानेंगे ही नहीं, तो हम मानेंगे ही नहीं, क्या नहीं मानोगे, मानेंगे ही नहीं कि पार्टीशन हुआ है। अब तो समझ में आई बात, अगर पार्शियल पार्टीशन हुआ है तो मानेंगे ही नहीं पार्टीशन हुआ है। जैसे चल रहा था एचयूएफ का टैक्स असेसमेंट वैसे ही चलता रहेगा एचयूएफ का टैक्स असेसमेंट, पार्टीशन तो हुआ ही नहीं जब तक कि टोटल पार्टीशन ना हो जाए। और जैसे ही टोटल पार्टीशन होता है नोटिस देनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस टोटल पार्टीशन में जिस दिन तक पार्टीशन नहीं हुआ था, जिस दिन पार्टीशन हुआ अप टू द डेट ऑफ पार्टीशन एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल करेगा, यानी दो असेसमेंट होंगे एचयूएफ के हाथ में उस दिन तक का असेसमेंट होगा जिस दिन पार्टीशन हुआ, और पार्टीशन के अगले दिन से वो इंडिविजुअली कंसीडर करेगा, या तो स्मॉल एचयूएफ में या इंडिविजुअल मेंबर्स के तौर पर, जो जैसा केस होगा वैसा। क्लियर? अच्छा, ईच मेंबर और ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ सच फैमिली विल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर एनी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फाइन और अदर सम पेबल अंडर द एक्ट बाय द फैमिली वेदर बिफोर और आफ्टर सच पार्टीशन, पार्टीशन के होने के पहले या बाद में सारे मेंबर्स उस इनकम पर इक्वली लायबल होंगे, उस इनकम पर टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी देने के लिए इक्वली लायबल होंगे। द सेवरल लायबिलिटी ऑफ एनी मेंबर और ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ सच फैमिली विल बी कॉम्प्यूटेड अकॉर्डिंग टू द पोर्शन, जिसको जितना हिस्सा मिला है उस रेशियो के हिसाब से उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर किसी को 10% हिस्सा मिला है तो टोटल लायबिलिटी ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी में उसका 10% से ज़्यादा का हिस्सा नहीं होगा। ओके, एचयूएफ पार्टनर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, एक एचयूएफ पार्टनर बन सकता है किसी फर्म में, लेकिन वहाँ पर सारे मेंबर काम करने नहीं पहुँचेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव को सेट किया जाएगा, नॉर्मली करता हो सकता है, बता चुके हैं।
एच यू एफ विथ ओनली फीमेल मेंबर्स। ओ पहले तो मैंने ये बता दिया था एक अकेला मेल मेंबर एच यू एफ नहीं बना सकता, ग्रुप में होना चाहिए, यानी कम से कम दो लोग हों, कम से कम दो लोग हों तो हमारा वहां एच यू एफ ट्रीट होगा। हिंदू विडो बीइंग द सोल सर्वाइविंग मेंबर कैन नॉट कंस्टिट्यूट एच यू एफ, बता दिया, लेकिन वो अपनी अनमैरिड डॉटर के साथ एच यू एफ बना सकती है। यानी एक विडो है और उसकी डॉटर है, डॉटर हैव इक्वल राइट नाउ क्योंकि वो भी कोपार्टनर मानी जाती है, ठीक, एच यू एफ बन गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनमैरिड हो, मैरिड हो, पार्टीशन में अपना हिस्सा लेने का राइट तो है, लेकिन अब वो मेंबर्स केवल है, को पार्टनर है, मेंबर भी है लेकिन फैमिली का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अब केवल फैमिली में बची कौन विडो। तो इसीलिए अनमैरिड वर्ड यूज किया गया है। अ सिंगल मेल को पार्टनर विदाउट अ फीमेल मेंबर डज नॉट कंस्टिट्यूट एच यू एफ, एक अकेला मेल मेंबर भी एच यू एफ नहीं बना सकता, दो भाइयों एच यू एफ बना सकते। अगर अकेला मेल मेंबर है शादी के बाद वो एच यू एफ बना सकता है। ओके, बाकी सारी चीजें अब आप लोगों को तो मालूम है, अब तो कुछ नहीं बताना। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, फैमिली ऑलवेज सिग्निफाइज अ ग्रुप, प्लुरलिटी ऑफ पर्संस इज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फैमिली, फैमिली में एक से अधिक लोगों का होना जरूरी है। अ सिंगल पर्सन मेल और फीमेल डजंट कंस्टिट्यूट अ फैमिली, अ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल इज कंट्राडिक्शन इन टर्म्स, treats a Hindu undivided family as an entity distinct and different from an individual, assessment in the status of HUF can be made only when there are two or more members of the HUF, ठीक है, thus in no unequivocal terms it can be said that a single member cannot claim the status of HUF, ठीक, it must not, you should not confuse between a sole co-partner and a single member, co-partner और single member में फर्क होता है। HUF can very well consist of a sole surviving co-partner and another member who may not be a co-partner. In such a case, there are two members of the family and constitute a HUF. एक co-partner और एक member मिल करके HUF बना सकते हैं, it doesn't create a problem at all. अब तो समझ में आ गया। A sole surviving co-partner holds the ancestral property. एक अकेला ancestral property को संभालने वाला co-partner अकेले family नहीं बना सकता, जब तक वो अकेला है तब तक इंडिविजुअल स्टेटस में टैक्स लगेगा, एचयूएफ के स्टेटस में नहीं लगेगा। जैसे ही वो शादी कर लेगा, मैरिटल स्टेटस आ जाएगी, तुरंत वो एचयूएफ में कन्वर्ट हो जाएंगी चीजें। अगर वो किसी बच्चे को गोद ले लेता है तो भी एचयूएफ में आ जाएगा, बता दीजिए। इस चैप्टर में आने वाली तमाम चीजों को हम लोगों ने बखूबी डिस्कस कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड मीन्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यानी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ टू असेस अ इनकम ऑफ एचयूएफ, दैट्स इट। थैंक यू बच्चों।